हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी और आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में जो एक क्लासिफिकेशन था जिसको हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला था, उसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स का दूसरा नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स जो एक या एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। डेफिनेशन दी गई है आपको, पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। जैसा कि हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स में पढ़ा था कि वहां पर किसी भी स्मॉल यूनिट का रिमूवल नहीं होता था, लेकिन अगर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर और अल्कोहल या कोई भी और मॉलिक्यूल हो सकता है, उनका इलिमिनेशन होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अब हम देखेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप का हो सकता है, वो कौन कौन से दो टाइप हैं, होमोपॉलीमर्स और दूसरा होगा आपका हेट्रोपॉलीमर, जिसको हम लोग को पॉलीमर्स भी बोलते हैं। जैसा कि एडिशन पॉलीमर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के पॉलीमर्स हो सकते थे, होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर का नाम क्या होता है, कोपॉलीमर्स। तो यहाँ पर भी हम होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स की बात करेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर अब हम बात करते हैं होमोपॉलीमर्स की। होमो का मतलब हमने आपको बताया था सेम होता है, तो यहाँ पर होमोपॉलीमर का मतलब होगा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा नाइलॉन 6, सेलुलोज और स्टार्च, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर हेट्रो पॉलीमर की या को पॉलीमर की बात करेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर, जब दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कोपॉलीमर। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है टेरिलीन, डायग्राम में आप टेरिलीन को देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है नाइलॉन 6-6, डायग्राम में आप नाइलॉन 6-6 को देख सकते हैं। याद रखिएगा, नाइलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर एंड नाइलॉन 6-6 आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बट नाइलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर एंड नाइलॉन 6-6 इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीमर। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में बेकेलाइट। बेकेलाइट आप डायग्राम में देख सकते हैं बेकेलाइट को। बेकेलाइट क्या है, ये सारे बेकेलाइट की बनी हुई चीजें हैं। बेकेलाइट के ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे, बेकेलाइट के ये सब बेकेलाइट है। अब आइए इस पर बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर, इनमें से कौन सा कोपॉलीमर का एग्जांपल है। फर्स्ट ऑप्शन है टेफ्लॉन, सेकेंड ऑप्शन है पॉलीथीन, थर्ड ऑप्शन है ऑर्लॉन और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूना एस। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, हमसे कोपॉलीमर मतलब हेट्रोपॉलीमर की बात की गई है जो दो टाइप की यूनिट से मिलकर के बना होगा। ब्यूना एस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्यूना एस दो टाइप के मोनोमर से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए एडिशन होमोपॉलीमर, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, ऑप्शन सी है एडिशन कोपॉलीमर एंड ऑप्शन डी है कंडेंसेशन कोपॉलीमर। तो आपको पता चल रहा होगा सेलुलोज किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर होमोपॉलीमर का एग्जांपल है या कोपॉलीमर का, ये भी हमसे पूछा गया है। तो कंडेंसेशन के अंदर सेलुलोज होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा भी था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन होमोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन,
सेकेंड ऑप्शन है पीवीसी और थर्ड ऑप्शन है आपका टेफ्लॉन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपको पढ़ के क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे होमोपॉलीमर हैं तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इस वीडियो लेक्चर में हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।